हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एंड कम्पिटिशन वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे बूकर पुरस्कार। बूकर पुरस्कार प्राइज 2022 में किसे दिया गया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ही बात करेंगे बूकर पुरस्कार कितने भारतीय प्राप्त कर चुके हैं, 2021 का बूकर पुरस्कार किसे दिया गया था। चलिए हम बात करते हैं बूकर पुरस्कार। बूकर पुरस्कार दो होता है, एक होता है मैन बूकर पुरस्कार, एक होता है इंटरनेशनल बूकर पुरस्कार। ये इंटरनेशनल बूकर पुरस्कार है, ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए। यह है श्रीलंकाई लेखक, ये श्रीलंका के लेखक हैं। इनका नाम है सेहान करुणा तिलके। इनको दिया गया 2022 का मैन बूकर पुरस्कार। ये दूसरे श्रीलंकाई व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार को दिया गया है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम PCS के लिए और PPSC के लिए इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर याद रखिएगा। पेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलका ने हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य अवार्ड बूकर पुरस्कार 2022 जीता। ये इम्पोर्टेंट है। किसने जीता? सेहान करुणा तिलके। इम्पोर्टेंट क्या नाम है? सेहान करुणा तिलके कहाँ के हैं? श्रीलंकाई लेखक हैं। इन्हें दिया गया। इम्पोर्टेंट किस बुक के लिए दिया गया इन्हें? इनकी बुक का नाम है द सेवन मेन्यू ऑफ माली अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ पर है? ये भारत में है। कहाँ पर है भारत? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इस पर दिया गया। ये सम्मान उनके दूसरे उपन्यास द सेवन म्यून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए दिया गया। ये जो बूकर पुरस्कार है दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। क्या है? दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार में से एक है। अब देखिए, श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलके अपने राग गीतों, किसके लिए? राग गीत, स्क्रीन प्ले, ट्रेवल स्टोरीज के लिए भी फेमस हैं। ये अवार्ड जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई व्यक्ति बने। 47 वर्षीय करुणा तिलका को यह अवार्ड लंदन में एक समारोह में दिया गया। उन्हें इसके साथ 50,000 पाउंड भी मिले। कितना मिले? 50,000 पाउंड। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैन बुकर पुरस्कार के लिए जो इस पर शॉर्ट लिस्ट किताबें थी, ग्लोरी थी, द ट्रेस था, द सेवन, इसे देखो मिला है। किसे मिला है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, लेखक सेहान करुणा तिलक के। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, बूकर पुरस्कार 2022 के लिए लेखकों को 6 सितंबर को शॉर्ट लिस्ट किया गया। इनमें 3 महिलाएं थीं और 3 पुरुष थे। 5 देशों और 4 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते थे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब हम बात करेंगे जिसके लिए दिया गया, सेहान करुणा तिलका को दिया गया, जो नॉवेल है उसमें क्या स्टोरी है। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा जो है इसके लिए दिया गया। द सेवन ऑफ मून माली अल्मेडा एक फ़ोटोग्राफर की कहानी आधारित नावेल है। क्या ये? फोटोग्राफर की कहानी है। इसमें इंडिपेंडेंट प्रेस शार्ट ऑफ बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया? इंडिपेंडेंट प्रेस शार्ट ऑफ बुक्स द्वारा प्रकाशित किया था। इस वर्ष पहली बार इस प्रकार प्रकाशन बुक को ऑर्डर की लिस्ट में रखा गया। इस प्रकार की बुक को। ये है सेहान करुणा तिलके। इनकी देखिए फोटो, इनकी जो बुक है सेवन मून्स ऑफ माली एंड अल्मेडा, इसीलिए दिया गया। जब इन्हें दिया गया वहाँ का सीन है ये। बुकर प्राइज अवार्ड यूरोप या लंदन का सीन है ये। अब हम जानेंगे करुणा तिलके जो थे इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1976 में हुआ था। ये श्रीलंका के कहाँ हुआ था? गाले में। वो कोलंबो में पले बढ़े और उन्हें पहले नावल जो उनका था चाइना मैन, इनका पहला नावल क्या था? चाइना मैन, के लिए 2011 में राष्ट्रमंडल पुरस्कार सम्मानित किया गया। उन्हें फांसी की साहस से ग्लो हुमर का विशेषज्ञ कहा जाता है। उन्हें BCI और द रीडिंग एजेंसी बिग जुबली रीड के लिए चुना गया। किसके लिए? BCCI और इसके लिए किसी बिग जुबली रीड के लिए चुना गया। अब हम बात करेंगे बूकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम आयरलैंड में अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक के प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। किसके लिए? अंग्रेजी में जो पुस्तक प्रकाशित होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये पहले फिक्शन के लिए पुरस्कार और मैन बुकर पुरस्कार रूप में जाना जाता है। इस अवार्ड की स्थापना कब की गई थी?
1969 में, अर्थात 1969 में किया गया था। 2002 में क्या हुआ, इसका नाम बदलकर मैन बुकर प्राइज़ कर दिया गया। 2019 में इसका नाम बुकर प्राइज़ भी कर दिया गया। जो बुकर पुरस्कार पहले व्यक्ति जिसने बुकर पुरस्कार जीता उसका पहले व्यक्ति नाम है PHNV थे। इन्हें उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए अवार्ड दिया गया। उन्हें 70 में बर्नीस रूबेंस द इलेक्टेड मेंबर के लिए पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला हैं। क्या नाम इनका था, बर्नीस रूबेंस। देखिए टॉम ऑफ सैंड, ये भारतीय इन्हें पुरस्कार दिया गया। कौन से भारतीय मैन बुकर पुरस्कार जीते इसके बारे में, भारतीयों में अद्विति राय ने 1997 द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पुरस्कार जीता। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए पुरस्कार जीता। अरविंद अडिगा की जो पुस्तक थी वाइट टाइगर के लिए भी ये अवार्ड जीत चुकी हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए, वीडियो को पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।